25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र के फैसले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी कभी नहीं बना सकती भविष्य की कल्पना का भारत। बीजेपी के 25 जून को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाने वाले मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की बात करते हैं लेकिन सोच और विचार पुराने रखते हैं। उन्होंने कहा, ये लोग इमरजेंसी की बात करते हैं लेकिन इमरजेंसी के बाद 1980 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से आई थी। उनका कहना है कि पुरानी बातों पर लठ पीटना यही बताता है कि बीजेपी भविष्य की कल्पना का भारत नहीं बना सकती। ये नरेंद्र मोदी जी ने तो देश और दुनिया से ये बात की थी, मुझे न्यू इंडिया बनाना है, नया भारत बनाना है। बीजेपी बार बार नए भारत की कल्पना की बातें करती थी और सोच और विचार पुराने। हर बार नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन की बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था 80 में, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आई थी। उस समय की हमारी पीढ़ी ने ये बता दिया था कि इंदिरा गांधी ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। ये बार बार पुरानी बातों पे लट पिटना क्या बताता है कि ये लोग भविष्य की कल्पनाओं का भारत नहीं बना सकते। ये लोग भविष्य के भारत को क्या की जो न्यू है वो अच्छी नहीं रखना चाहते। ये पुरानी बातें करके 303 से 240 पे आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी इनकी सरकार, जैसा कहा ये एक साल की, राहुल जी ने कह दिया है एक साल की सरकार है, आने वाले समय में इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।